के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा हिसार में हुए विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के बाद और ज्यादा कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश और केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हिसार में हुए विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के बाद और ज्यादा कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये विपक्ष आपके समक्ष नहीं, विकल्प आपके समक्ष बन गया है, क्योंकि मौजूदा सरकार केवल लूट, झूठ और फूट की राजनीति करने में लगी हुई है। प्रदेश की गठबंधन सरकार पूरी तरह से विफल है, इसलिए लोग कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। और प्रदेश और केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, ये नहीं प्रदेश में कानून व्यवस्था का भी पूरी तरह से दिवाला पिटा है। उन्होंने कैग रिपोर्ट को लेकर भी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जो खुलासा हुआ है वो भी सरकार की पोल खोल रहा है और अब पब्लिक अकाउंट कमेटी की रिपोर्ट और भी साफ कर देगी। तो कल जो है हिसार में विपक्ष आपके समक्ष का हमारा कार्यक्रम था और वो इतना हजूम था, इतनी भीड़ थी वहाँ, वो देख कर उसको कार्यक्रम का नाम ही बदल गया, विपक्ष आपके समक्ष नहीं रहा, वो अब आपके समक्ष विकल्प हो गया। हमारे को विकल्प में बदल दिया। 36 बरादरी का हर वर्ग से हिसार में इससे बड़ी कभी रैली हुई नहीं होगी, लोगों का बड़ा भारी जोश था और ये एक संकेत है कि आने वाला समय जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ लोगों ने आस्था जताई है और बीजेपी जेजेपी से छुटकारा कर। बहुत सारी हमारे साथी आए और सभी ने अच्छी बातें कही और मैं इस बात के लिए वहाँ के लोगों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बधाई भी देता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लेह हादसे में शहीद हुए सभी सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। साथ ही उन्होंने कहा कि ब्रिज मंडल यात्रा दोबारा से निकालने की जो अनुमति ली जा रही है उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सभी धर्म को अपनी यात्राएं निकालने का अधिकार है, सरकार का दायित्व बनता है कि भाईचारा नहीं बिगड़ना चाहिए। रोहतक से देवेंद्र शर्मा, टोटल न्यूज़।